हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, उसका ट्रेंड क्या है, पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट रेंज क्या है और आज क्रूड ऑयल क्या होने वाला है उसका ऊपर हम रिसर्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 4 आवर चार्ट लिया मैंने क्रूड ऑयल का और इसमें आप देख सकते हैं आज गैप डाउन में मार्केट ओपन हुआ है। तो आज का प्रीवॉट पॉइंट है 5536, फर्स्ट रेजिस्टेंट 5600 एंड सेकंड रेजिस्टेंट 5633, थर्ड रेजिस्टेंट 5717 एंड द फर्स्ट सपोर्ट जस्ट द मार्केट ओपन बिलो द फर्स्ट सपोर्ट 5483 एंड द नेक्स्ट सपोर्ट 5419 एंड थर्ड सपोर्ट 5366। तो हम देख सकते हैं ये मैंने पहले डेली चार्ट लिया तो इसमें पहले उसका रेजिस्टेंट के लिए मैंने ये लाइन दिया था, पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में, तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस तक गया हुआ है। तो उसके बाद वो मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो वो मार्केट कहाँ तक आने वाला है और यह मार्केट ऊपर जाने वाला है, और आप डेली में देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट। सो अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो डेली रिट्रेसमेंट तो देना चाहिए। तो अगर इसको हम 4 आवर में देखें तो लास्ट फ्राइडे तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया था, तो थोड़ा करेक्शन देके आज आप देख सकते हैं मार्केट नीचे में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अभी जो करंट प्राइस चल रहा है जैसे 5460 थी, ये एक सपोर्टिंग रेंज बना के रखा हुआ है। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग एंटर करना चाहे तो मार्केट में इसको पहले तोड़ लेने के लिए दे दीजिए, इसको तोड़ना चाहिए क्योंकि ये सपोर्टिंग लाइन से फिर से ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा होल्ड करना चाहिए। तो अभी अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो भी अभी अप ट्रेंड में ही है, लेकिन यहाँ पे आप एक बात देखना चाहिए कि ये पहले कल जैसे पहले फ्राइडे को प्राइस कंसोलिडेशन हुआ था थोड़ा बहुत, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है अभी जो लोअर पॉइंट है, ये पहले 1 2 3 4 आज तो नीचे ही आ रहा है। तो मुझे लगता है इसको अगर तोड़ दिया तो मार्केट नीचे अराउंड 200 मूविंग एवरेज से ये अराउंड 5402 यहाँ तक आ सकता है मार्केट यहाँ पे। तो अभी अगर 5 मिनट में देखे तो 5 मिनट में देखे तो आप ये डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो लोअर पॉइंट में, तो इसका नीचे में मार्केट है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत करेक्शन दे के मार्केट नीचे आने वाला है। तो अगर आप 30 मिनट में देखे तो आप देख सकते हैं इसको आप पहले रेंज में था प्राइस, तो मैंने अगर रेंज को निकाल दिया तो आप देख सकते हैं एक ये रेंज में था, राइट। तो आप देख सकते हैं मार्केट ये रेंज में था, इसको तोड़ के अभी नेक्स्ट यहाँ तक आने वाला है। तो अगर हम डाउन ट्रेंड और इसका रेंज निकाले तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो रेंज निकाला इसको तोड़ दिया, तो इसको रेंज निकाल दिया तो क्या कैसा हो रहा है मार्केट, तो नीचे आया उसका बाद थोड़ा ऊपर गया, तो ये हमें एक लोअर पॉइंट मिला क्योंकि ये लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो ये लोअर हायर हाई बना नहीं पाया, तो मार्केट फिर से ये लोअर ये रीजन में आ सकता है। उसका बाद थोड़ा बहुत फिर से 200 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस लाइन हुआ, तो इसके फिर से वो पुल बैक करके वो नीचे आने का chances. So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.